गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स सो स्टूडेंट्स आई वांट टू आस्क यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाउन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाउन ओके यस So town is basically an area which is developed, ठीक है कोई भी ऐसा area that is developed to more than village, ठीक है जो village से थोड़ा ज़्यादा develop होता है उसको क्या कहते हैं town कहते हैं ठीक है So town traders means merchants, okay traders means merchants, व्यापारी ठीक है जो trade करते हैं that are traders and craft persons ठीक है क्राफ्ट पर्सन किसको कहेंगे हु मेक क्राफ्ट्स ठीक है जो क्राफ्ट के काम करते हैं क्राफ्ट्स बनाते हैं दैट उनको हम क्या कहते हैं क्राफ्ट पर्सन्स कहते हैं ठीक है सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन ऑफ द एंशियंट इंडिया ठीक है हम अपने पास्ट में जा करके देखेंगे कि किस तरह के टाउन्स होते थे किस तरह के ट्रेडर्स होते थे कौन कौन से ट्रेड हुआ करते थे एंड किस तरह के क्राफ्ट के वर्क हुआ करते थे ठीक है सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक यस व्हाट वुड अ ट्रैवलर विजिट अ मिडाइवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड ठीक है अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई ट्रैवलर जो मिडाइवल टाउन का है और वो बिलोंग कर रहा है ठीक है मिडाइवल टाउन में बिलोंग कर रहा है तो उसे क्या मिलेगा ठीक है वो क्या देखेगा दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट वाज ठीक है ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के टाउन में विजिट करने के लिए जा रहा है इट कैन बी अ टेम्पल टाउन इट कैन बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इट कैन बी अ कॉमर्शियल टाउन और अ पोर्ट ठीक है टाउन टू नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटीज ठीक है और इनका नाम क्या है उनकी पॉसिबिलिटीज के ऊपर रखा जाता है मतलब कि उस पर्टिकुलर टाउन में किस तरह का एनवायरमेंट है किस तरह की बेसिक चीज़ें हैं जैसे अभी हमने कहा टेम्पल टाउन तो टेम्पल टाउन वो होते थे जहाँ जो किसी टेम्पल के अराउंड सेटल हो गए कोई मंदिर था और मंदिर के आसपास ही जो टाउन सेटल हो गए उनको टेम्पल टाउन्स कहा जाता है ठीक है तो बेसिकली हर टाउन का कोई ना कोई एक स्पेशल फीचर होता है एक स्पेशल स्पेशलिटी होती है तो इसी के नाम पे इनको टेम्पल टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पोर्ट टाउन और कॉमर्शियल टाउन के नाम से डिवाइड किया गया ठीक है सो इनफैक्ट मेनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस ठीक है बहुत सारे टाउन आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर कई सारे काम होते हैं जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक टेम्पल टाउन ही हो इट कैन बी अ कॉमर्शियल टाउन ऑल्सो सो देवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी हो सकते हैं टेम्पल टाउन्स भी हो सकते हैं एज वेल एज सेंटर ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज मतलब कि कोई एक टाउन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर तीनों एक्टिविटीज होती हैं ठीक है मतलब टेम्पल टाउन भी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है वो और कॉमर्शियल टाउन भी है वो तीनों हो सकता है ठीक है ओके लेट्स सी दिस मैप विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 75 सम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड आर्टिशनल प्रोडक्शन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया ठीक है यहाँ पर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट सेंटर यानी कि टाउन्स के नाम दिए हुए हैं लोकेशन दी हुई है जो फेमस थे बेसिकली ट्रेड के लिए और आर्टिशन वर्क के लिए कि क्राफ्ट वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे और ये मोस्टली जो नाम है आपके कहाँ से दिए हुए हैं सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के हैं ठीक है तो यू कैन सी द नेम ऑफ सम सेंटर्स और टाउन्स हियर वी विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड वी विल जस्ट कॉल द नेम ऑफ द मेजर टाउन्स विच वी हैव ऑलरेडी हर्ड ठीक है जिनको हमने पहले सुना हुआ है हम उनकी बात कर लेंगे ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ सो काबुल ठीक है ये काबुल आप देख रहे हैं काबुल वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड नेक्स्ट है वृंदावन पुष्कर अजमेर ये आपके कहाँ पर है ये आपके राजस्थान में है ठीक है वृंदावन आपका यूपी में आ जाएगा नेक्स्ट है अहमदाबाद इज़ वेरी फेमस आप सभी जानते होंगे अहमदाबाद को सूरत बहुत फेमस था स्टार्टिंग से ही बॉम्बे बहुत फेमस था सो
शब्द भी आप सभी ने सुना होगा, बीदर, बीजापुर, गोलकोंडा। गोलकोंडा सभी ने सुना होगा, गोलकोंडा फोर्ट बहुत फेमस है। हम्पी, हम्पी आप हो सकता है बहुत कम लोगों ने भी सुना होगा, बट आप जान जाएंगे बहुत फेमस है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे तिरुपति, सभी ने सुना होगा तिरुपति। कांचीपुरम सुना होगा सभी ने, कांचीपुरम साड़ियाँ बड़ी फेमस हैं। फिर महाबलीपुरम भी आपने सुना होगा। फिर आपका मदुरई, ठीक है मदुरई। एंड इधर आ जाते हैं ईस्ट में मुर्शिदाबाद एंड कलकत्ता, ठीक है। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट टाउन फ्रॉम फॉर ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट वर्क, ठीक है। ये कुछ ट्रेडिंग सेंटर थे, कुछ क्राफ्ट सेंटर थे जो बहुत फेमस हैं। सो आपने मैप में देख लिया कुछ ऐसे टाउन जो कि ट्रेडिंग टाउन थे, या एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं कि ट्रेडिंग टाउन के रूप में थे, कॉमर्शियल टाउन के रूप में ये जाने जाते थे, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इन टाउन्स की वैरायटी के बारे में पढ़ जाने कि कितने तरह के टाउन्स हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। पहले क्या है, टेम्पल टाउन्स। फिर सेकेंड आपके कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। बट अभी हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, ठीक है। तो अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के बारे में बात करते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। सेंटर लिख देती हूँ मैं, ओके यस। यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर टू, ठीक है। चैप्टर टू ने, टू में सभी लोगों ने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा। लेट्स ट्रेवल इन आवर इमेजिनेशन टू थंजावुर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवल करते हैं, अपने इमेजिनेशन में ट्रैवल करेंगे, हम सच में ट्रैवल नहीं करने जा रहे हैं, हमें बस सोचना है, ठीक है। हम अपने कहते हैं ना ख्यालों में, हम थंजावुर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, थंजावुर जा रहे हैं ख्यालों में, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द चोलास, कहाँ पे था थंजावुर, क्या था, चोलास डायनेस्टी का कैपिटल था। एज इट वॉज अ थाउजेंड ईयर्स अगो, ठीक है। हम लोग कब की बात कर रहे हैं, थाउजेंड ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं। द पेरिनियल रिवर कावेरी, कावेरी रिवर आप यहाँ देख सकते हैं नीचे पेज नंबर 75 पे जो मैप दिया हुआ है, यहाँ पर है कावेरी और यहाँ ही है थंजावुर, ठीक है। तो ये जो कैपिटल था, दिस वॉज द कैपिटल ऑफ चोलास डायनेस्टी थंजावुर, एंड इट वॉज लोकेटेड नियर द रिवर बैंक ऑफ कावेरी। सो रिवर बैंक इज पेरिनियल रिवर, ठीक है। पेरिनियल मीन्स, पेरिनियल मीन्स द रिवर विच फ्लो होल ईयर, ठीक है। मतलब वो नदी जो पूरे साल बहती है, या पूरे साल उस नदी में पानी रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको पेरिनियल रिवर कहते हैं, ठीक है। सो रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटिफुल टाउन, ठीक है। थंजावुर से ही होकर के कौन सी रिवर जाती है, कावेरी रिवर जाती है इस ब्यूटिफुल टाउन से होकर के। वन हियर्स द बेल ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल बिल्ड बाई किंग राज राज चोल, ठीक है। और वहां से आपको एक बार जरूर बेल सुनाई देगी, किसकी बेल सुनाई देगी, राज राजेश्वर टेम्पल की बेल सुनाई देगी, जो कि किसने बनवाया था, यस चोलास डायनेस्टी के किंग राज राज चोल ने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था। द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इस आर्किटेक्ट, टाउन के जो भी लोग थे वो राजा के इस कंस्ट्रक्शन के लिए उसको, उसकी बहुत तारीफ करते थे, उसको बहुत प्रेज करते थे, ठीक है। कुंज रमलन, ठीक है, कुंज रमलन राजराज पेरुंथचल हु हैज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल, ठीक है। और इसके जो रूलर्स थे, चोला डायनेस्टी के और जो रूलर्स थे, कौन कौन से थे, कुंज रमलन और कौन से हैं, पेरुथच्चन, ठीक है। तो दोनों ने अपने नाम कहाँ पर इनग्रेव करवाए थे, उन्होंने वो टेम्पल के वॉल पे अपने नाम को इनग्रेव करवाया था, लिखवाया था। एंड इनसाइड अ मैसिव शिवा लिखा, और अंदर क्या है उस टेम्पल के, एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द चोलास किंग। एंड वॉट वॉज इट्स ड्यूटी, कि आप जब भी उस थंजावुर के पास जाएंगे या कावेरी रिवर से आप जाएंगे, तो वहाँ पर आपको इस
बैल मतलब बहुत सारे भक्त आते रहते हैं, बैल बजाते हैं। आप जब भी वहाँ से निकलेंगे तो आपको बैल जरूर सुनाई देगी, और ये बैल किसकी होगी, उसी टेम्पल की होगी, राजराजेश्वर टेम्पल की होगी, ठीक है। बिसाइड द टेम्पल देर आर प्लेसेस विथ मंडप और पवेलियन, ठीक है। अब देखो टेम्पल के साइड में, ठीक है, टेम्पल के साइड में क्या थे, देर वर पैलेसेस, ठीक है, बहुत सारे पैलेसेस हैं विथ मंडप, मंडपास, ठीक है, मंडपास सभी को पता है मंडप, ठीक है, तो मंडप आप सभी जानते होंगे, तो पैलेसेस हैं विथ मंडप और पवेलियंस, ठीक है। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडपास, किंग्स कहाँ पर अपना कोर्ट बनाते थे, इन मंडपास में अपने कोर्ट्स को वो रखते थे, बनाते थे। इशूइंग ऑर्डर टू देयर सबऑर्डिनेट, और वहीं पर वो अपने सबऑर्डिनेट जो भी कहते हैं ना कलीग, सहकर्मी या काम करने वाले जितने भी उनके अंडर में थे, तो वो वहाँ से ही उनको ऑर्डर इशू करता था। देर आर ऑल्सो बैरिक्स फॉर द आर्मी, ठीक है, वहाँ पर आर्मी के लिए भी बैरिक्स बनाए गए थे। द टाउन्स इज बसलिंग विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन्स स्पाइसेस क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। आपने देखा होगा मार्केट्स में कितनी ज़्यादा शोर होती है, कितनी ज़्यादा हलचल होती है, तो वहाँ पर भी थंजावुर में भी मार्केट में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत सारे शॉप्स हैं, लाइक ग्रेन शॉप्स, स्पाइसेस शॉप्स, क्लोथ्स, ज्वेलरी शॉप्स, देयर वर मेनी शॉप्स देयर। वाटर सप्लाई टाउन में कहाँ पर होता था, कैसे होता था, फ्रॉम वेल्स एंड द टैंक्स, ठीक है, थ्रू वेल्स एंड टैंक्स वाटर गेट सप्लाई इन द टाउन एरियाज ऑफ द थंजावुर एंड द सलिया वीवर ऑफ थंजावुर, ठीक है, सलिया वीवर से थंजावुर के एंड नियर बाय टाउन ऑफ द उरयूर, और वहीं पर पास में थंजावुर के पास में ही कौन सा एक और टाउन है, उरयूर है। देवर बिजी फॉर प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स, ठीक है, वो क्या करने में बिजी थे, वो क्लोथ्स बनाने में बिजी थे, किस काम के लिए क्लोथ्स बना रहे थे, फॉर द फ्लैग्स, किसके लिए, फ्लैग बनाने के लिए, यूज इन द टेम्पल फेस्टिवल, जो कि टेम्पल फेस्टिवल में यूज होने वाला था। फाइन कॉटन फॉर द किंग एंड नोबिलिटी, फाइन क्वालिटी के यानी कि पतली क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के कॉटन्स को बनाया जाता था, कॉटन क्लोथ को प्रोड्यूस किया जाता था फॉर द किंग एंड द नोबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। बट जो कोर्स कॉटन थे यानी कि जो मोटे कॉटन थे, जो थोड़े से लो क्वालिटी कॉटन थे, उनको प्रोड्यूस किया जाता था फॉर द कॉमन पीपल, ठीक है, मासेस मीन्स कॉमन पीपल। सो सम डिस्टेंस अवे, थोड़ी ही दूर पर, थंजावुर से थोड़ी ही दूर पर स्वामी मलाई, ठीक है, स्वामी मलाई एक एरिया है, टाउन है, वहाँ पर द स्थापति, ठीक है, स्थापति इसका मतलब क्या है, जो स्कल्पचर बनाते हैं, ठीक है, जो मूर्तियाँ बनाते हैं या लोहे के कुछ सामान बनाते हैं, तो ऐसे जो स्कल्पचर्स बनाने वाले लोग हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग ब्रॉन्ज आइडल, ठीक है, ब्रॉन्ज के आइडल मूर्तियाँ बना रहे हैं, ऑर्नामेंटेड बेल बना रहे हैं एंड मेटल लैम्प्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्क करने में, क्राफ्ट के काम करने में लोग वहाँ के बिजी हैं। ये थंजावुर क्या था, थंजावुर वॉज द कैपिटल ऑफ चोलास डायनेस्टी, एंड थंजावुर के ही बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि थंजावुर में किस तरह का सिस्टम था, ठीक है, क्या वहाँ का पूरा आउटलुक था। तो हमने क्या देखा कि कैसा आउटलुक था, थंजावुर एक तो कॉमर्शियल सेंटर भी था, वहाँ से बहुत सारे कॉमर्स मतलब ट्रेड होते थे, ट्रेड का काम होता था, और दूसरी चीज़ क्या था, वो एक टेम्पल टाउन भी था, ठीक है। तो थंजावुर में हमने क्या पढ़ा कि थंजावुर वॉज वेरी फेमस, वेरी डेवलप्ड टाउन, ठीक है। तो थंजावुर में क्या था, क्योंकि वो किसी किंग का कैपिटल सिटी था, थंजावुर क्या थी, किसी किंग की यानी कि चोलास डायनेस्टी की कैपिटल सिटी थी, इसलिए वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, है ना। तो ऐसे जगहों को हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहते हैं, जहाँ पर कंट्रोलिंग राजा का गवर्निंग सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा हो, वहाँ पे सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा फॉलो हो रही हो, तो उनको क्या कहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहते हैं, क्योंकि वो राजा का कैपिटल था इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट है टेम्पल टाउन्स, है ना। अब हम लोग तीसरे सेकेंड टाइप ऑफ टाउन की बात कर लेते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ टाउन इज टेम्पल टाउन, ठीक है। तो टेम्पल टाउन क्या होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन तो सभी को समझ में आ गया कि किसी राजा का अगर कैपिटल है कोई भी सिटी, कोई भी टाउन,
टाउन, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन जाएगा क्योंकि वहां पर सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टेम्पल टाउन्स की, तो टेम्पल टाउन्स के में भी हम थंजावुर को एज ए एग्जाम्पल रख सकते हैं, बिकॉज थंजावुर में क्या था, राज राजेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो राज राजेश्वर टेम्पल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फेमस टेम्पल एरिया है, ठीक है। तो टेम्पल है, तो वहाँ पर क्या हो गया कि टेम्पल टाउन्स डेवलप हो गए। मैंने आपको बताया था कि टेम्पल टाउन्स कहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर टेम्पल्स सेटल किए जाते हैं, टेम्पल्स बनाए जाते हैं, उसके आसपास अपने आप ग्रोथ हो जाता है, वो क्या बन जाता है, वो टेम्पल टाउन बन जाता है, ठीक है। थंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन, ठीक है। थंजावुर क्या था, टेम्पल टाउन का ही एक एग्जाम्पल है। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। टेम्पल टाउन क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है टेम्पल टाउन, क्योंकि ये अर्बनाइजेशन में हेल्प करते हैं। वॉट इज अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाई विच सिटीज डेवलप, ठीक है। जब भी कोई सिटीज डेवलप होती है तो उसको क्या कहते हैं कि सिटी अर्बनाइज हो रही है ना, यानी कि अर्बनाइजेशन हो रहा है उस सिटी में। टेम्पल वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है। टेम्पल्स क्या होते थे, अक्सर सेंट्रल टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी होते थे। टेम्पल्स का जो एरिया भी मैंने आपको बताया कि जहाँ टेम्पल बना दोगे वहाँ पर अपने आप धीरे धीरे करके अर्बनाइजेशन हो जाएगा, वहाँ अपने आप टाउन डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा था कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और सोसाइटी भी वहाँ पर सेटअप हो जाएगी, है ना। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू द वेरियस ड्यूटीज। हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रूलर्स कंस्ट्रक्टेड डिफरेंट बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस टू शो देयर डिवोशन, टू शो देयर वेल्थ, टू शो देयर पावर, है ना। तो वो टेम्पल टाउन्स क्यों बनाते थे या टेम्पल्स क्यों कंस्ट्रक्ट करवाते थे, टू शो देयर डिवोशन टू द गॉड, ठीक है। वो अलग अलग बहुत सारे ऐसे राजा थे जो अलग अलग डिटीज में, अलग अलग गॉड्स में बिलीव करते थे, तो वो अपने जो लविंग गॉड हैं, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, उनसे रिलेटेड टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाते थे अपने डिवोशन को शो करने के लिए कि हाउ मच दे आर डिवोटेड टू द पर्टिकुलर गॉड, ठीक है। दे वर इंडोर्ड टेम्पल विथ ग्रांट ऑफ लैंड, ठीक है। वो मंदिर के कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करते थे, अगर कोई राजा खुद टेम्पल कंस्ट्रक्ट नहीं करवा रहा है, कोई और कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, तो वो उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करते थे, प्रमोट भी करते थे, जैसे बाई गिविंग लैंड, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मर्चेंट, कोई और अदर पर्सन टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, तो राजा क्या करता था, रूलर क्या करता था, वो उसको फाइनेंशियल हेल्प भी करता था, ठीक है। तो उनको लैंड प्रोवाइड करना, है ना, मंदिर को बनाने के लिए लैंड प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए मनी प्रोवाइड करना, ठीक है। और भी जो भी रिचुअल्स हैं उनको भी वो आगे प्रमोट करता था। फीड पिलग्रिम्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे किंग थे जो कि पिलग्रिम, बहुत सारे तीर्थयात्री, पिलग्रिम मतलब क्या, तीर्थ यात्री, है ना, जो तीर्थ पर जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तीर्थ यात्री हैं जो प्रेस्ट होते थे, पुजारी होते थे, उनको खाना खिलाना, उनको फीड कराना, एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, ठीक है। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड इनटू द टेम्पल आल्सो मेड डोनेशन। बहुत सारे ऐसे पिलग्रिम्स आते हैं जो मंदिरों में डोनेशन करके जाते हैं। आप भी मंदिरों में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ एक दान पेटी रखी रहती है जिसमें आप लोग पैसे डालते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, है ना। तो क्या है, वो डोनेशन ही है। तो बहुत सारे ऐसे रिच पिलग्रिम्स भी जाते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डोनेशन करते हैं, जिससे टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से क्या होता है कि टेम्पल टाउन्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, डेवलप होते हैं। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। सी, जो टेम्पल की अथॉरिटीज होती थी, ठीक है, जैसे टेम्पल में आपने देखा होगा बहुत सारी कमिटीज, अथॉरिटीज होती हैं जो टेम्पल की ओनर होती हैं, तो वो उन वेल्थ को, किस वेल्थ को, जो या तो किंग ने डोनेट किया हो या किसी पिलग्रिमेज जो तीर्थ यात्री हैं उन्होंने डोनेट किया हो, तो उस वेल्थ को वो यूज करते थे किस कामों के लिए, फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, ठीक है, ट्रेड करने के लिए और बैंकिंग करने के लिए वो उन अमाउंट को, उन वेल्थ को यूज करते थे। ग्रेजुअली लार्ज नंबर ऑफ प्रेस्ट वर्कर्स, आर्टिशंस, ट्रेडर्स एट्सेट्रा, ठीक है।
देखिए बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, बहुत सारे काम करने वाले लोग थे, जैसे प्रेस्ट हैं, वर्कर्स हैं, आर्टिशंस हैं, ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे लोग उसमें इंगेज होते थे। सेटल्ड नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स, ठीक है। और ये सभी लोग उन्हीं मंदिरों के आसपास ही सेटल हो जाते थे ताकि उनकी खुद की भी नीड फुलफिल हो जाए और जो पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री आते हैं उनको ये सारे उनकी वजह से या कह सकते हैं उनके लिए भी वो फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती थी, ठीक है। दस ग्रीव टेम्पल टाउन, ठीक है। इसी तरह से क्या हुआ कि टेम्पल टाउन्स ग्रीव हुए, है ना, किंग के सपोर्ट से, बहुत सारे जो पिलग्रिम्स आते थे उनके सपोर्ट से, उनके डोनेशन से टेम्पल टाउन्स सेटअप होते थे और वो टेम्पल टाउन्स धीरे धीरे करके क्या हो जाते थे, डेवलप हो जाते थे। वहाँ बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट्स ग्रो करने लगते थे और वो धीरे धीरे करके अर्बनाइज हो जाता था, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ टाउन्स इज कॉल्ड टेम्पल टाउन, ठीक है। उस तरह के जो टाउन्स हैं जो किसी टेम्पल के सेटअप होने की वजह से डेवलप हुए थे उनको हम क्या कहते हैं, टेम्पल टाउन्स कहते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप दिस टॉपिक हियर एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।